नमस्कार सर, हम लोग वेस्ट अफ्रीकन कंट्री का गैबोन जो है गैबोन से बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग सनराइज ग्लोबल कंपनी जो इसका मदर कंपनी है एक्यूरेट इंडस्ट्रीज, उसी का हम लोग हुए में अपना सनराइज कंपनी से इंडिया कंपनी से बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे हमारे छोटा छोटा प्रॉब्लम भी आने लगा है, वो भी बड़ा होके दिख रहा है। अभी लोकल आदमी का जो है टाइमली पेमेंट नहीं होने से कि ये लोग आके इंडियन आदमी के ऊपर में हाथापाई करता है, कभी खींचातानी करता है, कभी मारपीट भी कर लेता है, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। और भी सब छोटा मोटा बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है, उसको बड़ा होके अभी निकल रहा है। और पानी का भी दिक्कत हो रहा है, पानी मतलब पानी अपना पानी है ही नहीं, जो भी पानी मिल रहा है दूसरा कंपनी से जो उठा के लेते हैं चोरी करके हम लोग, और पानी जो मिलता है पूरा मिट्टी जैसा पानी है, आयरन पानी है, मतलब उसको भी पी के हम लोग भी पेट खराब हो रहा है, बार बार हॉस्पिटल बीमार आदमी पड़ रहा है उसको पी के। हम लोगों को सारा आदमी सोया था, पुलिस वाला आया है, हम लोग को सारा आदमी उठा के ले चला गया, हम लोग का पासपोर्ट छीन लिया, हम लोग सुबह से शाम तक वहाँ में लॉकअप में डाल दिया। हम लोग ना खाना है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। मिनिमम सर 1.5 साल से वीज़ा लाइन लगा हुआ है किसी का, और मालिक को रिक्वेस्ट करते करते थक गए। हम लोग मैसेज भी करते हैं कि हम लोग का पासपोर्ट में वीज़ा लगवा दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता, मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं देता है मालिक। और डेली आए दिन का यही प्रॉब्लम है कि डेली कभी ना कभी पुलिस आ ही जाता है और हम लोग को उठा कर लेके चले जाता है। सही बोल रहे हैं। और मेडिकल में कोई दवाई नहीं है, यहाँ का तबियत आदमी किसी को ख़राब होता है तो मेडिकल लाने से दवाई ना दे देता है, और मिलता भी नहीं है। बहुत दिक्कतदारी हम लोग में फंसा हुआ है यहाँ पे, मालिक को बोलने से कुछ भी वो रिपेयर लाइन नहीं देता है, और सैलरी 3-4 महीना से हम लोग को सैलरी नहीं देता है, ना खर्च मिलता है, यहाँ नोकाल बैलेंस मोबाइल में नहीं, रिचार्ज करने के लिए भी नहीं है, ना किसी को बात करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा ये सब यहाँ से निवेदन। जो दिक्कत है सर, हम लोग जितना आदमी बोले सब सही बोले, हम लोग जितना जल्दी चाहे यहाँ से हम लोग को निकाल दें यहाँ से, क्योंकि सैलरी नहीं मिल रहा है, एडवांस नहीं मिल रहा है, हम लोग को पता नहीं, वो कुछ रिप्लाई भी नहीं मालिक दे पा रहे हैं, तो अगर रिप्लाई नहीं देंगे तो वो चीज़ आप ही कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग मुद्दा बना के ये चीज़ किए कि हमको भारत सरकार को कंप्लेन दे, तज्ञाए का कार्रवाई करें। सर हमको पेमेंट 4 महीने से बाकी है और एडवांस भी नहीं मिलता है, हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ में हम लोग भारत सरकार से उड़ीसा सरकार से निवेदन करते हैं, हम लोग को कैसे हम लोग को पेमेंट से दे के टिकट दे के हम लोग को भेजा करें। सर देखिए, यहाँ पे ट्रीटमेंट बढ़िया नहीं हो रहा है, आदमी का बार बार तबीयत खराब होना, मालिक टाइम पे पैसा नहीं भेजता है, और बहुत दिक्कत होता है सर। यहाँ इतना हम लोग दिक्कत में फंसा हूँ, आदमी इतना प्रॉब्लम में फंसा है, पानी सही नहीं मिलता है, फिल्टर वाला पानी नहीं मिलता है, यहाँ सब मिट्टी वाला पानी मिलता है, तो हम लोग पानी पी पी करके आदमी का तबीयत खराब होना चालू हो जाता है। ठीक है सर। सर मेरा पिताजी भी 4 दिन से इंडिया में तबीयत खराब है, आईसीयू में भर्ती हुआ है, और मैं मालिक को मैसेज किया, फ़ोटो भी उठा के भेजा, और कोई रिप्लाई नहीं दिया अभी तक, और 3 महीना के ऊपर हो गया हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है, और मैं बहुत बार विनती किया मालिक से कि मेरा पेमेंट थोड़ा भेज दीजिए, अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं देता है मालिक। यहाँ पर समस्या तो बहुत प्रकार का है, सब लोगों ने बताया भी है जो समस्या वो, और हम भारत सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करके और हम लोगों को इंडिया जल्दी से जल्दी पहुँचाया जाए। सर नमस्कार, मैं सर इंडिया से उड़ीसा में बोल रहा हूँ। यहाँ मैं एक्यूरेट कंपनी में, मालिक का नाम आशीष सिंगल है, उसी कंपनी में हम लोग है। अभी 3-4 महीना हो गया, सैलरी नहीं जा रहा है, ना एडवांस नहीं मिल रहा है, यहाँ का हम लोग पॉकेट खर्च भी नहीं है, मोबाइल से सही से हमने गांव से बात नहीं कर पाता हूँ, यहाँ का बहुत बुखार का है, सबके बीमार पड़ता है, बार बार जाता है बीमार में, वहाँ मेडिसिन नहीं मिलता है, हर चीज़ का प्रॉब्लम है। यहाँ हम फॉरेस्ट में रुका हुआ है, हर चीज़ का प्रॉब्लम है, जब मालिक के पास मैसेज देता हूँ तो मालिक मैसेज
रिप्लाई नहीं देता है, कोई भी नहीं सुना है हम लोग का बात। हम लोग चाहता है कि कैसे निकल जाए यहाँ, कैसे निकल जाए, चाहते हैं सबको ही पेमेंट का साथ में टिकट दे के हम लोग जल्दी से जल्दी चार महीना का सैलरी के साथ हम लोग इंडिया ले जाइए जल्दी से जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।